में पहुंचे। क्या देखा है कि वहां पर पत्थर की एक शिला पड़ी है। राम जी कहने लगे, गुरुदेव ये पत्थर की शिला क्या है? बोले बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले बेटा ये पत्थर की कैसे हो गई? गुरुदेव ये पत्थर की कैसे हो गई? जवाब दिया, बेटा आओ वृक्ष की छाया में बैठते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। एक वृक्ष की छाया में बिठाया गुरुदेव। राम से कहने लगे, बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गुरुदेव ये पत्थर की कैसे हो गई? बोले बेटा ये अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। एक बार अहिल्या 16 श्रृंगार करके कुटी से बाहर घूम रही थी। इंद्र ने इसकी सुंदरता को देखा। इंद्र सुंदरता देख करके लालायित हो गया। तो इंद्र सोचने लगा कि मुझे अहिल्या के साथ छल करना है। इंद्र ये सोच करके चंद्रमा के पास गया और चंद्रमा से जाकर बोला, भैया चंद्रमा मेरी कुछ सहायता कर दो। बोले क्या? बोले सहायता ये कर दो कि मुझे अहिल्या के साथ छल करना है। और बोला है इंद्र, कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। सुना तो इंद्र की बात सुन के चंद्रमा मुर्गा बन के चला। चंद्रमा मुर्गा बन के चला। राम जी कहने लगे, गुरुदेव एक बात बताओ। बोले हाँ। ये चंद्रमा इंद्र जो है वो चंद्रमा के पास काहे को गयो? कहूँ और के पास चलो जाओ। गुरु जी ऐसे के बोले, लल्ला जाके गुड़ जा से मिलते हैं, व्यक्ति भाई के पास बैठ दो। कोई सूता लगाने वाला होएगा तो आज भी ऐसे लोग होंगे प्रांगण में, सूता लगाने वाला होएगा तो यूं देखेगा मेरे दोस्त कहां है, का सूता लगाने को मिल जाएगा। तमाकू खाने वाले होंगे तो यूं ही देखेंगे दोस्त कहां है, थोड़ी मुंह में डारन को हां मिल जाएगी।
जिसके गुण जिससे मिलते हैं व्यक्ति उसी के पास जाता है। राम जी कहने लगे, गुरु जी चंद्रमा में कहा गुड़ ऐसो अब गुड़ तो। गुरु जी ऐसे के बोले, बेटा चंद्रमा के एक नहीं 27 औरतें थी और 27 औरतें होते हुए भी अपनी गुरु मैया तारा को भगाए लेगो। और जब आत इंद्र को मालूम होती तो इंद्र सोचने लगा, मेरे और उसके गुड़ एक ही मिल रहे हैं, वो मेरा काम जरूर कर देगा। मुर्गा बन करके गया, दरवाजे पर आवाज लगाई, गौतम ने समझा सुबह हो गया। गौतम नहाने के लिए यमुना पर चले, गंगा पर चले और इंद्र चंद्रमा का रूप बना, इंद्र गौतम का रूप बनाकर घर घर में घुस गया। अहल्या के साथ छल करने लगा। इधर गौतम गंगा स्नान करने के लिए जल में घुसे और जैसी आवाज सुनी है, गंगा माँ कन्या का रूप लेकर प्रकट हो गई। कौन है? अरे माँ, मैं आपका बेटा गौतम, आज बहुत जल्दी आ गया। अरे नहीं मैया, मैं तो नित्य ही स्नान करने आता हूँ। मुर्गे की बांग को सुनकर गंगा जी बहती है धीरे धीरे और गौतम से कहती है धीरे धीरे, क्या तेरी बहुरिया घर चल गई। अरे जा करके देख, तेरी पत्नी के साथ छल हो रहा है। गौतम भीगी हुई साड़ी लेकर आए, चंद्रमा मुर्गा के रूप में है। एकदम से भीगी हुई साड़ी चंद्रमा में मारी और इंद्र तो निकल कर भाग गया। गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, तुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुर्गे ने बांग लगाई है तो फिर पति तो स्नान चले गए होंगे, ये दूसरा पति कहां से आ गया। श्राप दे दिया, तू पत्थर की हो जा। गुरुदेव कहने लगे, बेटा इसका उद्धार करो। गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया जो इंद्र के साथ कलंकित थी, उन कलकों से प्रभु ने तार दिया। भगवान ने चढ़ रज मतलब अपना पैर नहीं रखा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी पराई स्त्री के शरीर को पैरों से स्पर्श करेंगे नहीं। फिर क्या किया? बोले चढ़ रज, जहां भगवान खड़े थे ना उससे हटकर उस जगह की रज लेकर भगवान ने अहिल्या के ऊपर डाल दी, उससे अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या अपने रूप में आई, भगवान की परिक्रमा करके वहीं समाहित हो गई। गुरुजी राम लखन को लेकर महाराज जनक के बाग के कोने पर गए। इधर सीता जी सहेलियों को लेकर के पूजा करने के लिए आती, इसी के बीच में कुछ दानदाताओं की सूची है, वो इस प्रकार से है जरा।